हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80 किलोमीटर का हिस्सा तो तकरीबन दिखाई दिया है, जो कि वडोदरा से वरूच का होने वाला है। और उस अपडेट को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि वो हिस्सा कब तक स्टार्ट होगा। और आज बारी, जैसा कि उस वीडियो में मैंने कहा था, उस हिस्से की है जहां पर गोधरा से होकर ये गुजरने वाला है। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गोधरा का हिस्सा, जिस जगह पर आज हम और आप काम देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये है तकरीबन 1350 किलोमीटर का हिस्सा। दिल्ली के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, हरियाणा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, राजस्थान का आधा हिस्सा बनकर तैयार है, आधे पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा जो कि 240 किलोमीटर का है बनकर तैयार है दोस्तों। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में जल्द ही 80 किलोमीटर का जो हिस्सा है वरूच से वडोदरा का, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग हिस्सा है उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसी हिस्से का एक पार्ट जो कि गोधरा से होकर गुजर रहा है वो देखने वाले हैं। और रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसका अपडेट मैंने आपको कुछ महीने पहले ही दिखाया था और आने वाले कुछ दिनों बाद भी दिखाऊंगा। लेकिन आज बात गुजरात की और आज बात गोधरा की। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये 8 लेन का है, 4 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा। लेन पूरी तरीके से यहां बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर देखोगे तो ये ग्रीन पट्टी भी लगा दी जा चुकी है, मतलब ये जो बीच में स्पेस देख रहे हो, ये वैसे तो फ्यूचर के लिए रखा है कि फ्यूचर में अगर लेन ऐड करना हुआ तो आसानी से किया जा सके, इसी वजह से ये बीच में जगह रखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी इसको इस्तेमाल किया गया है पेड़ पौधे लगाने के लिए। और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधे लगा भी दिए जा चुके हैं और ये पूरी तरीके से लग गए हैं, तो देखने में बहुत बहुत कमाल का ये पूरा सेक्शन दिख रहा है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया गया। इसी तरफ आगे गोधरा का इंटरचेंज है, जिधर हम और आप चलने वाले ड्राइव करके, और देखते हैं कि उस इंटरचेंज पे कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट दिखाया था तो उस जगह पे अच्छा खासा काम रह रहा था। एक्चुअली इसके बाद का हिस्सा जो होता है वो मध्य प्रदेश का, जो कि पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और गोधरा इंटरचेंज से इस तरफ अगर जाएंगे तो इसके बाद जो सबसे बड़ा इंटरचेंज आता है वो आता है यहां से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, जो कि बनाया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 के ऊपर, जिसकी मदद से आप अहमदाबाद और वडोदरा दोनों को कनेक्ट कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, या इनफैक्ट अहमदाबाद वडोदरा से कनेक्ट भी कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए चलते हैं इस तरफ ड्राइव करके, क्योंकि यह हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, स्पीड लिमिट 120 का है, पूरा फन आने वाला है भाई। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चलो ड्राइव। वैसे भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग मैंने ज्यादातर हिस्सा देख ही लिया है, अभी महाराष्ट्र वाले हिस्सा भी मैंने कवर किया, लेकिन उस पर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ ये जो ग्रीन पट्टी है ना उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा है गोधरा में, ये गुलमोहर का पेड़ इन्होंने लगाया है, PNC कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस हिस्से पे काम कर रही है गोधरा वाले पे। और एक्चुअल में ये जो इन्होंने प्लांट लगाया है ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये जो नेटिव प्लांट्स होते हैं ना, मतलब हमारे देश के खुद के जो, वो लगाए। और गुलमोहर का जो पेड़ होता है ना वो पूरे साल तक ऐसे आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, और समर के टाइम पे तो इसमें जब फ्लावर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लांट सिलेक्शन भी ना बहुत सही किया है भाई इस कंपनी ने, खासकर इस गोधरा वाले हिस्से पे। बाद बाकी जगह तो मैंने देखा है कि बस प्लांट लगाए हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ये लगा है ये एक्चुअल में काम का लगा है भाई। तो चलो अब हम और आप जरा ड्राइव कर ले इस पर, और जहाँ पर गोधरा का इंटरचेंज बनाया जा रहा है जो होने वाला है, उस जगह तक चलते हैं। वैसे ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मुंबई, इस पूरे हिस्से पे भाई 120 का स्पीड लिमिट है। अभी वैसे
मैं आया हूँ जब वडोदरा से इस जगह गोधरा तक 2 घंटे लगे हैं, तकरीबन 80 किलोमीटर है, मतलब पुराने वाले रूट से जो यूज़ करके आता हो, स्टेट हाईवे 87 को यूज़ करके आना पड़ता है, तो वो भी रास्ता अच्छा है। गुजरात की सरकार ने जो रोड बनाया है वो बहुत कमाल का है। वैसे सच बताऊं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जिस जगह पे भी मैं अपडेट दूं, ऐसा लगता है ये मेरे घर के पास ही है, क्योंकि इसका इंटायर हिस्सा ऐसा ही लगता है, क्योंकि 4 लेन का पूरा रोड है ईस्ट साइड, दोनों तरफ ज़मीन से तकरीबन कई जगह पे 5 फीट तो कई जगह पे 10 फीट, कई कई जगह पे 15 फीट ऊपर है ये, चाहे आप हरियाणा वाले हिस्से पे ट्रैवल कर लो, राजस्थान में कर लो, या गुजरात में या MP में, ये ज़मीन से ऊपर रखा है, ये सही किया है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता ना, हाईवे के आसपास, एक्सप्रेसवे के आसपास ही आने वाले 20-30 सालों में पूरा शहर बस जाता और फिर इसी हाईवे पे स्लो डाउन लगने लग जाता। अब ये जो नया कॉन्सेप्ट निकाला है ना गडकरी साहब ने, ये बहुत सही है भाई। हाईवे को इतना ऊंचा कर दो कि कोई सोच भी ना पाए उसके आसपास रहने का, फिर स्लो डाउन भी ना लगे, और बेसिकली ये फ्रीवे ही रहे, मतलब लाइफ टाइम तक एक्सप्रेसवे रहे, ना कि ये नॉर्मल रोड हो जाए जैसे आजकल हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे हाईवे थे जो अपने देश में बनाए गए थे तो उस वक्त पे उस हाईवे के आसपास कुछ नहीं था, आज देखोगे तो उस हाईवे पे पूरा स्लो डाउन लगता है। तो ये सारा रिसर्च करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है, और ये बहुत सही निर्णय है जी, क्योंकि अगर आप अहमदाबाद से वडोदरा वाले एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करोगे ना, जो कि अपने देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है, जो कि 2003 में बना था, तो उसके आसपास आपको कोई शहर नहीं दिखता, क्योंकि वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, ज़मीन से ऊपर है भाई वो। तो ये देखो भाई, अभी 2 किलोमीटर बाद इंटरचेंज आने वाला है, और उससे आप इंदौर और अहमदाबाद को भी जा सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो मैं अहमदाबाद से आया था होके, और फिर गोधरा वाले इंटरचेंज का आपको अपडेट दिया था। उस वक्त पे तो अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम रह रहा था, आज देखते हैं इतने महीनों बाद कि कितना सारा काम उस पर हो चुका है। गोधरा का जो इंटरचेंज होने वाला है, जो कि बनाया गया है नेशनल हाईवे नंबर 47 के ऊपर, इसका काम देख कर ना आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका लास्ट अपडेट जो दिया था वो देख लो आप। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जब मैंने लास्ट अपडेट दिया था इस हिस्से का, उस वक्त पे अच्छा खासा काम रह रहा था, रेलवे लाइन को भी क्रॉस करना था, हाईवे को भी क्रॉस करना था, और इंटरचेंज भी बनाया जाना था। और वहीं आज अगर आप देखोगे तो इस जगह पर बहुत कमाल का काम किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी PNC ने। और वही आपको यहां पर देखने को मिलता है, रेलवे लाइन को जो क्रॉस करना था, रेलवे लाइन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम करना था वो भी हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो चुका है, हाईवे को भी क्रॉस करा दिया है, और इनफैक्ट यहां पर जो इंटरचेंज बनाया जाना था वो भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इसका इंटरचेंज अगर आप देखोगे तो बहुत विशाल है, और वाकई में इस जगह का दृश्य भी बहुत कमाल का है। तो इसके आगे का जो हिस्सा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसी वजह से देखोगे तो ये जो व्हीकल्स हैं आपको दिख जाएंगे, जिनकी मदद से अर्थवर्क का काम, यानी कि मिट्टी को जो डालने का काम है एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो किया जा रहा है। और इसी वजह से हम और आप इस तरफ तो नहीं जा सके कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर मैं इस तरफ से गया भी तो मुझे आगे जाने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और अंधेरा जल्दी हो जाएगा, कि ऑलमोस्ट 4 o'clock हो गया है। तो आगे वाले हिस्से का अपडेट मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए
तो बस इतना ही भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई गोधरा का इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और वीडियो को लाइक भी कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं जल्द ही मिलता हूँ। इसके बाद दिल्ली यहां से है 781 किलोमीटर। अब आप पूछोगे भाई क्या मैं इसको यूज करके आगे जा सकता हूं, तो नहीं जा सकते भाई, क्योंकि इंटरचेंज बन चुका है, लेकिन इंटरचेंज के आगे का हिस्सा है ना एमपी के साइड का, उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर एक्सप्रेसवे को बंद भी किया जा चुका है, तो अभी इसको यूज मत करना, क्योंकि इस पर कनेक्ट करने के लिए ना आपको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ये कंस्ट्रक्शन साइट ही है मेरे भाई। तो इसलिए नॉर्मल जो रोड है ना उसको यूज़ करके जहाँ भी जाना हो ना वो चले जाना भाई, चाहे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इस वाले हिस्से को अभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस पर अच्छा खासा काम रह रहा है। वैसे मैं तो बस इसलिए आया हूँ कि ताकि आपको दिखा सकूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर देखोगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते, और पूरी तरीके से रास्ता बंद है, तो आप इसको चाकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन तेजी के साथ चल रहा है यहाँ पे। चलो मैं भी वापस यू टर्न लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आगे जाने का।